Hello everyone, I'm Neetu Gale and today we discuss on fuzzy set में कौन कौन से ऑपरेशन अप्लाई किए जाते हैं वो पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम फजी सेट ऑपरेशन, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, ये तीन ऑपरेशन पढ़ने वाले हैं। तो लेट वी स्टार्ट नाउ। फजी सेट स्टार्ट करने से पहले मैनुअली जो सेट थ्योरी है उसमें क्या होता है और क्या फजी सेट में डिफरेंस है वो पढ़ेंगे। तो मैनुअली क्या होता है, जो हमारी सेट थ्योरी है उसमें एक यूनिवर्सल सेट होता है और मैं मान के चलती हूँ एक मेरे पास ए सेट है जिसके एलिमेंट हैं एक्स वाई जेड, और एक बी सेट है जिसके पास एलिमेंट है एक्स वाई वाई और डब्लू। ये मेरे पास दो सेट है ए एंड बी। और यूनिवर्सल में क्या है, जितने भी सेट है उन सब का कलेक्शन यूनिवर्सल सेट होता है। तो मुझे ए यूनियन बी निकालना है, तो क्या है दोनों में जितने भी एलिमेंट है सबको कलेक्ट कर दे तो हमारा ए यूनियन बी निकल आएगा। तो एक्स वाई जेड और डब्लू, ये मेरा क्या निकल आएगा, ए यूनियन बी। मीन्स ए और बी के पास जितने भी एलिमेंट है वो सब मैं कलेक्ट कर दूंगी तो यूनियन। और ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, जैसे मेरे पास एक ए सेट है एक बी सेट है, जो दोनों का कॉमन पार्ट है उसको इंटरसेक्शन में यूज़ किया जाता है। तो दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो लिख देंगे एक्स और वाई, तो ये मेरा ए यूनियन बी निकल आएगा। और जो मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो कैसे होगा, जैसे मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है उसके पास एलिमेंट है 1 2 3 4 5, और एक मेरे पास ए सेट है उसके पास एलिमेंट है 1 2 3। तो मुझे ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो क्या है ए के एलिमेंट को छोड़ के यूनिवर्सल में जितने भी सेट है मेंबर है उन सबको मैं काउंट कर लूँगी तो वो क्या निकल आएगा मेरा ए कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें हमने क्या देखा कि जो भी मैं ऑपरेशन अप्लाई कर रही हूँ, यूनिवर्सल, इंटरसेक्शन या कॉम्प्लीमेंट, वो किस पे कर रही हूँ, जो भी सेट के अंदर एलिमेंट है उस पर मैं अपना फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ, अपना ऑपरेशन अप्लाई कर रही हूँ। लेकिन जो फजी सेट है, फजी सेट में क्या होगा कि एलिमेंट पे अपने ऑपरेशन अप्लाई करने की बजाय ये किस पे वर्क करता है, मेंबरशिप वैल्यू पे। किस पे वर्क करेगा, मेंबरशिप वैल्यू पे। मेंबरशिप वैल्यू को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, म्यू से। दिस इज सो द मेंबरशिप वैल्यू, और मेंबरशिप वैल्यू वी कैन से दैट द स्कोप स्कोर और एनीथिंग वैल्यू। जैसे मैं एग्जांपल लूँ कि कोई भी कि आज की कितनी कोल्ड है, कोल्ड के बारे में बात की जाए तो कितनी कोल्ड है, 0.5% या 1% या 0.2, क्योंकि हमें पता है जो फजी सेट है वो कितने के बीच लाई करता है, 1 और 0 के बीच में, और जो इंक्लूडिंग 0 एंड 1 जितने भी इसके बीच के एलिमेंट है उसके बीच में ये मेंबरशिप वैल्यू को काउंट किया जाता है। तब इसके ऑपरेशन की बात करते हैं कि कैसे काम करते हैं। तो फजी सेट में यूनियन निकालने के लिए हमें किस पे काम करना पड़ेगा, मेंबरशिप वैल्यू पे। तो मेंबरशिप वैल्यू पे कैसे होगा कि जैसे म्यू फॉर द ए इंटरसेक्शन बी पर्टिकुलर एलिमेंट एक्स, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ म्यू ऑफ द सेट ए और सेट बी, जिसमें से सेट और सेट ए या सेट बी में से जिसकी भी मेंबरशिप वैल्यू मैक्सिमम होगी वही क्या होगा हमारा पर्टिकुलर एलिमेंट एक्स के लिए क्या होगा उसका यूनियन। इंटरसेक्शन में क्या होगा, म्यू फॉर द पर्टिकुलर म्यू फॉर द इंटरसेक्शन ए एंड बी पर्टिकुलर एलिमेंट एक्स, मिनिमम वैल्यू फॉर द म्यू ऑफ द सेट ए और म्यू सेट फॉर द बी। मीन्स दोनों में से जिसकी भी मिनिमम वैल्यू होगी वो मेरा क्या आएगा, इंटरसेक्शन। और कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, म्यू कॉम्प्लीमेंट ऑफ द ए पर्टिकुलर एलिमेंट एक्स, 1 माइनस म्यू ए पर्टिकुलर एलिमेंट एक्स ऑफ द सेट ए। तो क्या है, इसमें से जो मेंबरशिप वैल्यू है उसको 1 में से माइनस कर देंगे तो हमारा कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। आपको फॉर्मूले अंडरस्टैंड नहीं है तो आपको एग्जांपल से अंडरस्टैंड हो जाएंगे कि कैसे ये काम करता है। तो मेरे पास दो सेट है ए एंड बी, उसमें क्या है एलिमेंट दे रखे हैं और क्या दे रखा है उनकी मेंबरशिप वैल्यू। इसमें क्या है, किस पे वर्क करेगा, एलिमेंट तो सेम रहेंगे क्योंकि देखो एक्स जो ए है मेरा उसमें भी एक्स एलिमेंट है, इसमें भी एक्स है, इसमें वाई है, इसमें भी वाई और इसमें भी जेड है, लेकिन क्या है मेंबरशिप वैल्यू चेंज है। तो मेंबरशिप वैल्यू पे ही ये वर्क करेगा। तो जब हम इसकी यूनियन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो यूनियन निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इनकी कंपैरिजन। तो यूनियन में मुझे क्या देखना, दोनों में से कौन से की वैल्यू ग्रेटर है, तो कौन सी ग्रेटर है, 0.2, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, x 0.2
टू, फिर सेकंड, सेकंड में मेरी किसकी ग्रेटर है, तो यहाँ पे क्या आएगा वाई 0.6, और यहाँ पे क्या आएगा जेड, बोथ आर इक्वल, तो इक्वल में कोई भी ले लो, तो ये मेरी आ जाएगा यूनियन। और इंटरसेक्शन क्या आएगा, अब मिनिमम वैल्यू, दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू है एक्स के लिए कौन सी मिनिमम वैल्यू है 0.1, वाई के लिए कौन सी मिनिमम वैल्यू है 0.4, और जेड के लिए बोथ इक्वल तो 0.5। तो इस तरीके से क्या होगा, ये मेरा इंटरसेक्शन और यूनियन निकल आएगा। अब मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा मेरा, यहाँ से वन में से माइनस करनी है, तो वन में से माइनस करेंगे एक्स 0.8, वाई 0.6, और जो मेरा जेड है वो क्या आ जाएगा 0.5। ऐसे ही बी का इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो क्या है वन में से माइनस करते चले जाएंगे एक्स 0.9 और वाई 0.4, और जो जेड आएगा मेरा 0.5। तो ये मेरा क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकलाएगा। तो इस तरीके से हम फजी सेट में अपने ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने तीन ऑपरेशन देखे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम और ऑपरेशन पे काम करके देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब। थैंक यू।